और भाई सो वट इज़ अपडी दिस इज़ अप्रोमे एंड यू आर वॉचिंग अप्रोमे ब्लॉग्स तो भाई आज मैं देने वाला हूँ एक स्वीट सा बढ़िया सा रिव्यू अपनी बाइक का टू थाउजेंड किलोमीटर्स एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है तो यार अभी इस वीडियो में आज फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात नहीं करेंगे मेनली बात करेंगे एक ओनरशिप रिव्यू के बारे में जब आप इस बाइक को चलाते हो डेली लाइफ में और मैं इसको राइड पर भी ले गया मनाली राइड करके आया हूँ भाई लगभग सोलह सौ किलोमीटर के उसके अलावा चार सौ पाँच सौ किलोमीटर तो वैसे ही चला लिया तो एक महीना हो चुका है रोज़मर्रा में इसको चलाते हुए तो कहाँ कहाँ मेरे को इसकी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं कहाँ कहाँ बेकार लगी है और कहाँ कहाँ वर्स्ट लगी है तो वो सारी चीज़ें बताऊँगा ठीक है तो सबसे पहली जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो है भाई इसकी लुक्स तो यार डेली लाइफ में मतलब मैं कह रहा हूँ ये बाइक की लुक्स जो है ना आप कहीं से निकल जाना कहीं से अगर बंदा मुड़ के ना देखे मतलब रॉयल फील्ड को अपनी टैग लाइन रख लेनी चाहिए थी अगर बंदा मुड़ के ना देखे तो पैसे वापस मेरे को एक महीने में इतने रिएक्शन मिल चुके हैं ना इतने लोग पागल हो चुके हैं भाई बाइक को देख देख के और अभी भी देखो साइड में ये देखना अभी ये दिख रहा है आपको <laughs> मैं इतने में आपसे बता रहा था मैं जो बात बताई आपको वही इतने में मैंने एग्जाम्पल दे दिया <laughs> तो इस... हिमालयन <laughs> तो भाई इस चीज के बारे में तो सोचना मत कि इस बाइक के लुक्स किसी भी बाइक के लुक से मैच कर सकते हैं इसकी सेगमेंट के 390 एडवेंचर यस एडवेंचर कोई ले लेना कोई इसकी लुक का कोई मैच नहीं है सेकंड पॉइंट पे आते हैं इसकी पावर तो यार पावर का ना कुछ ब्रेकडाउन करता हूँ आपको समझाता हूँ तो देखो यार पावर का सीन ऐसा है कि तो जो ओल्ड हिमालयन थी उसका इंजन था एक लो रेविंग इंजन लो रेविंग इंजन में क्या होता है कि उसका ना जो आ, टॉर्क प्रोडक्शन होता है ना वो ज़्यादा होता है कम आर पी पे और पावर इतनी नहीं जनरेट करता वो मतलब कर लेता अच्छी ले खासी बट मेन उनका फोकस होता पे है टॉर्क और टॉर्क बहुत ज़्यादा देता है और वो भी लो एंड पे मतलब बहुत मिनिमल आर पी एम आपको डेढ़ दो हज़ार आर पी एम भी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा टॉर्क मिल रही है आपको एकदम से पुल मिलेगा बट इस बाइक में क्या है ये है हाई रेविंग इंजन ये जाता है अपना नौ हज़ार तक और पावर डिलीवरी इसकी मतलब कॉन्टिन्यूस रहती है नौ हज़ार तक ही तो इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है अब लोगों को क्या लगेगा कि यार अब ये महंगी बाइक है बड़ी बाइक है इंजन बेटर है पावर बेटर है टॉर्क भी आठ एम से ज़्यादा है तो क्या ये लो एंड जो एक वो जो पुरानी हिमालय वो जो लो एंड पंच था क्या वो इसमें उससे अच्छा है तो यार मैं उसका क्लियर आंसर दे दूं ये चीज़ सुन के कुछ लोगों को दुख होगा मुझे भी दुख हुआ जब मैंने फ़ील की थी ये चीज़ तो इसके अंदर ना थोड़ा सा कम ही है उससे ऐसा बताऊँ तो लो एंड टॉर्क सिर्फ एक चीज इसके अंदर उससे कम है जो कि ये लो एंड टॉर्क जो कि कंपनसेट किया जा सकता है एज कम्पेयर टू बाकी चीज़ें लो एंड टॉर्क यार इसका मतलब ऐसा है कि आप सेकेंड गेयर में जब आप इसको बीस की स्पीड पर जब उठाओगे ना तो हल्का सा मतलब उस वाले पावर से उठेगी नहीं जैसे वो पुरानी हमारे उठती थी वो भाई आप खड़े पहाड़ पर ले जाओ तो वो एकदम से ना लो एंड में भी बिना कम रेस दिए एकदम से उठ जाती थी बट इसको आपको क्या हल्की सी रेस ज्यादा देनी पड़ेगी वो है ना थोड़ी सी आर हाई करनी पड़ेगी इसमें आपको जो जो बाकी आ, बाकी बाइक्स में होता जो हाई इंजन्स होते हैं तो इसको आपको उस तरीके से चलाना पड़ेगा एक बार आपको हल्के से इसमें ना आर हाई करनी पड़ेगी उसके बाद फिर ये कहीं भी चढ़ जाएगी ये उससे बेटर ऑफ है बेटर कैपेबिलिटी है हर एक चीज में बस तरीका अलग है ये लगा लो आप और बाकी सिंपल पावर की बात करूँ तो भाई पावर बहुत ज़्यादा है इसमें किसी भी गियर में उठा लो आप किसी भी गियर में कोई दिक्कत नहीं है एकदम से आपको पुल देती है एंड इजी क्रूजिंग होती है भाई 120 130 एक्सप्रेसवे पे लेके गया था मैं इसको हाईवेज़ पे चला चुका हूँ इजी क्रूजिंग होती है 120 पे तो और उस 120 के अराउंड ये माइलेज भी ओके okay ओके okay देती है हाँ हंड्रेड पर बहुत अच्छी माइलेज देती है बट वन ट्वेंटी भी ठीक है इसकी हर चीज़ में इसका वन ट्वेंटी लेकर चलो तो बहुत सही है सेकेंड आ जाते हैं अब इसकी ब्रेकिंग पे तो यार ब्रेकिंग जो एक ऐसी चीज़ है इसकी जो मेरे को लगता है कि थोड़ी सी और बेटर करनी चाहिए थी तो ब्रेकिंग में जैसे क्या है इसकी सेगमेंट की जो दूसरी बाइक्स हैं उस उनमें थोड़ा सा बेटर ब्रेकिंग मेरे को फ़ील हुई जैसे थ्री नाइन्टी एडवेंचर में जो आगे वाली ब्रेक्स हैं बेटर है इसमें आगे वाली ब्रेक्स इज़ लाइक ओके ओके हाँ जो इंप्रूवमेंट है ब्रेकिंग में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम ही दे दी है पीछे वाली ब्रेक्स पुरानी हमाली की पीछे वाली ब्रेक्स बहुत बहुत कम रिस्पॉन्सिव थी इसकी जो पीछे वाली ब्रेक्स है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है भाई एंड काफ़ी बेटर है और पीछे वाली ब्रेक हाँ इसकी सेगमेंट से अच्छी होगी बेशक बट आगे वाली ब्रेक्स में थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था नेक्स्ट आते हैं जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है अब सस्पेंशन राइड क्वालिटी ओ माई गॉड भाई सस्पेंशन आपको कुछ फील नहीं होने वाला है ऑफ में जो तो ये कंफर्टेबल है बाइक बेस्ट इन सेगमेंट उसके बाद स्टेबिलिटी मैंने 120 की स्पीड में पहाड़ों में मतलब वो जो हिमाचल वाले पहाड़ हैं ना जो आ, कसौली के पास कसौली नहीं Uh, सुंदरनगर के पास वाली जो पहाड़ अगर आपको पता हो तो उधर ना क्या होता है टू लेन हाईवे है और कर्व्स तो हैं तो उस टू लेन हाईवे पे कर्व्स के साथ जो तो मैंने इसको बढ़िया लीन किया है ऑलमोस्ट मतलब ये लगा लो ग्राउंड और नी से इतना डिस्टेंस होगा मेरे और जो मैंने इसको लीन किया मेरे पास इससे पहले आर थी स्क्रैम थी पुरानी मालन अपाची चला चुका हूँ मैं मेरे पास एक साल किसी बाइक में अपाची तो चलो बहुत ही नीचे चला गया मैं बट आर एन फाइव की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी इस लेवल की आ, लीन नहीं कर पाता था मैं इतना मेरे को फ़ील कॉन्फिडेंस नहीं आता था बट इसके जो टायर्स हैं भाई परफेक्ट टायर्स यूज़ कर रखे हैं ऐसा लगता है और साथ ही साथ इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत बढ़िया है लीन करो स्टेबिलिटी बहुत प्यारी है उसके अलावा ऑफ रोडिंग कैपेबलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं थोड़ी बहुत करी है अभी तक जितनी भी तो कभी तक तो कोई भी कंप्लेंट है नहीं बहुत मज़ा आ रहा है ऑफ़ रोडिंग करने में अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ में जब आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बाइक चलाओगे ना तो आपको लगेगा कि फाइनली शायद रॉयल एनफील्ड ने एक अपनी फ्यूल गेज की दिक्कत ठीक कर दी है बट ऐसा नहीं है दो हज़ार किलोमीटर जाने के बाद मेरे को रियलाइज हो चुका है कि अभी भी वो दिक्कत है बट थोड़े छोटे लेवल पर हल्का हल्का ना इसका फ्यूल गेज अभी भी परेशान करता है एकदम से ऊपर नीचे बट थोड़ा देर आप चलाओगे ना कॉन्टीन्यूअसली तो ठीक है सेटल डाउन हो जाएगा उसके बाद आते हैं अब एक वर्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें रॉयल एनफील्ड ने ना मतलब बिल्कुल ही गंद मचा दिया बेसिकली ये सीट अब पास आओ दिखाता हूँ आपको ये देखो यार ये देखो ये पूरी बंद है ये ढीली वीली नहीं है ये ऐसे ही है ये ये क्या है ये ये देखो ये पीछे वाली भी ये आगे की फिटिंग ये देखो ये भाई मतलब पसंद सा नहीं आया कुछ मेरे को और ना तो सीट खोलने और लगाने का जो तरीका है ना वो अच्छा नहीं है मतलब इजी नहीं है बेसिकली वो करते रहो वो दिमाग ख़राब होता रहता है मतलब कन्वीन नहीं है और ये चीज़ ना गुस्सा दिलाती है यार कहीं ऐसे कोई हाथ लगा लेना लोग कहते हैं कि ये ढीली छूटी हुई है शर्म आती है बात बोलने में कि नहीं भाई ये ऐसे ही है और अगर हो सकता है चलो आप आप में से कोई कह दे कि भाई आपसे ढीली छूटी हुई है तो भाई कंपनी वाले से भी ढीली छूट गई क्या कंपनी वालों से भी बंद करवा के देख ली मैंने तो जब भी ऐसी हो रही है ये तो ये चीज़ है तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ठीक है अब भाई लास्ट में बात करते हैं दो और चीज़ों के बारे में एक अच्छी है एक बुरी है तो जो कि बिल्कुल टोटली उस पर है मतलब जो मैंने फील किया है राइड कर टाइम तो भाई सबसे पहले बुरी की बात कर लेते हैं तो यार जो बुरी है वो है इसकी राइड बाय वायर तो कुछ लोग बता रहे हैं कुछ लोगों मैंने रिव्यू देखा था तो वो लोग बता रहे हैं कि उनको राइड बाय वायर पसंद आ रही है इस बाइक का तो इसके तो दो ही रीज़न है कि या तो उनको रॉयल इनफील्ड से पैसे मिल रहे हैं या फिर उनको अभी इतना टाइम हुआ नहीं है चलाते हुए इस बाइक को क्योंकि मैंने इतना चला लिया तो मैं सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि राइड बाय वायर का जो भी इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की है मतलब जो भी अभी ये इन्होंने पहली बाइक है उनकी राइड बाय वायर की रॉयल इनफील्ड की तो इन्होंने बिल्कुल भी अच्छी दी नहीं है बहुत लैग है राइट बाय वायर में ना थोड़ा बहुत नहीं मतलब ये नहीं है कि चलो कभी कभी आप गलती से नोटिस कर लो आप बहुत इजीली नोटिस कर सकते हो कोई नया नया राइडर है वो शायद ना भी कर पाए क्योंकि उसको पता ना हो राइड बाय वायर क्या टेक्नोलॉजी होती है बट आप अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है ना तो आप इजीली आप ये निकाल लोगे कमी कि इसमें बहुत लैग है तो ये तो एक चीज़ है बट हाँ फिर एटलीस्ट ये है कि आप चलाते रहोगे ना तो आपका हाथ बैठ जाएगा उस हिसाब से तो ठीक है और अभी बात करते करते एक कमी और याद आ गई मेरे को कमी नहीं है वो इस बाइक में पता नहीं क्या कुछ है अलग है कुछ भाई कि इस बाइक को ना आपको अच्छे से कोल्ड स्टार्ट करना पड़ता है कोल्ड स्टार्ट करके आप इसको छोड़ दो कम से कम एक मिनट इस बाइक का कुछ इंजन ना सेट नहीं हो पाता है तो मेरे साथ ये इशू हुआ है अभी तक मैंने देखा नहीं किसी और के साथ हुआ या नहीं हुआ बट अभी आपने जैसे इसको स्टार्ट किया तो अभी आपने ढंग से इसको कोल्ड स्टार्ट नहीं किया ना तो चलते टाइम मिसिंग देगी मतलब समझ समझो ना आप मिसिंग क्या होता है आप आई होप आपको पता ही होगा कि बाइक थोड़ा सा मिसिंग देगी ढंग से पिकअप नहीं पकड़ेगी और बंद हो जाएगी एकदम से तो ये भी दिक्कतें मैंने फेस किए अगर ठीक से कॉल स्टार्ट ना दो तो इसको थर्टी फोर्टी सेकेंड का एक मिनट का कोल्ड स्टार्ट देना पड़ता है मेरे को उसके बाद ये एक प्रॉपरली चल पाती है मतलब कोल्ड स्टार्ट के बाद पर अब आ जाते हैं लास्ट चीज पे जो कि है कि इसकी बहुत सबसे बेस्ट मेरे को एक चीज़ लगती है वन ऑफ द बेस्ट जो कि है ये भाई स्लिपर क्लच ओ माय गॉड द क्लच सो so लाइट भाई सो स्मूद एंड सो लाइट मतलब पुराने वाले अगर मैं हिमालय से कंपेयर करूं तो बहुत इजी है यार ये वो इतनी हार्ड थी ना परेशान कर देती थी ट्रैफिक जाम्स में या कभी भी मतलब आपको ज्यादा दबानी पड़ रही है ना क्लच तो आपकी उंगलियों में दर्द हो जाता था और दूसरा साथ ही साथ इसका गेयर्स भाई गेयर बॉक्स इतना स्मूद मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को कोई भाई मैं जैपनीज बाइक चला रहा हूँ इतना स्मूद गेयर बॉक्स फील ही नहीं हो रहा मैंने गेयर शिफ्ट भी किया है बस ऐसे फेदर लाइक फेदर टच किया गियर ऑफ शिफ्ट बस एक बस एक जो पहला गियर है ना जब आप डाउन शिफ्ट करते हो वो थोड़ा टाइट लगता है वो यूजली बाइक सारी बाइक में टाइट लगता है बट बाकी उसके अलावा सारे गियर भाई बहुत मक्खन लगते हैं और वह कह सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड अभी 2000 किलोमीटर के हिसाब से तो यार मैं इतना ही एक ऑनरशिप रिव्यू दे सकता हूँ इससे ज़्यादा मेरे पास अभी कुछ है भी नहीं कहने को और जितना मैंने फील किया आई होप सब कुछ मैंने बता दिया हो और आई होप आपको ये सारी बातें मेरी ठीक लगी हो ज़्यादा आप क्योंकि कुछ लोगों की चुल होती है ज़बरदस्ती बातों को आ, गलत प्रूव करने की तो भाई देखो 2000 किलोमीटर जो मैंने फील किया जो सब मेरा एक रिव्यू था वो मैंने दे दिया है आई होप आपको पसंद आया होगा अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय